नमस्कार दोस्तों, हासिनी किरण रोमन किचन में आपका स्वागत है। आज का डिश हमारे रेगुलर कुकिंग से थोड़ा अलग है। एक गुजराती डिश है, इसे पात्रा कहते हैं। ज़्यादातर अरवी के पत्तों से बनाते हैं। इसी को हम बड़े पालक के पत्तों से भी बना सकते हैं। बच्चे और सबके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसे बनाने का तरीका थोड़ा लंबा है, लेकिन आप रोल बनाने के बाद बाकी सब आसान है। टेस्ट भी बढ़िया आएगा। सिर्फ रोल करने का टेक्निक एक बार आपको आ जाए बस। आइए हम प्रोसीजर देखते हैं। पहले सारे पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश करके एक छलनी में डाल के पानी निकाल दीजिए। आप एक मिक्सिंग बाउल में एक कप बेसन को छान लीजिए। उसमें एक टीस्पून चिल्ली पाउडर, नमक, थोड़ा गरम मसाला, एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टीस्पून तेल और आधा कप पानी मिला के अच्छे से मिक्स कीजिए। इस बैटर को बिना लम्स के ऐसे कंसिस्टेंसी में तैयार कीजिए। आप देख लीजिए, पालक पे लगाने के लिए चाहिए तो ऐसे कंसिस्टेंसी लेके आइए। अब पालक को ऐसे दोनों साइड से काट कर बीच का डंडा निकाल दीजिए। अब आप अपने तीन उंगलियों के मदद से ऐसे बेसन को पालक के पीछे वाला साइड के ऊपर अच्छे से लगाना शुरू कीजिए। एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कीजिए और बेसन लगाते जाइए। आप 6 से 7 पालक के पत्तों को एक रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे पत्ते हैं तो 2 पत्तों के एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करके बेसन स्प्रेड कीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि पत्तों को टर्न करके पीछे ही बेसन अप्लाई करना चाहिए। यह देखिए, मैंने भी 7 पत्तों के आसपास यूज़ किया है। थोड़ा थिक होना चाहिए, इसी से रोल अच्छे से बनेगा। आप हमें रोल कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे रोल करना। अब रोल कीजिए ऐसे, आपके फिंगर्स से लीफ को अंदर पुश करते करते एक थिक रोल बनाइए। पहले बार बना रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेस लंबा लगेगा, लेकिन एक रोल बनने के बाद सब बन जाएंगे आराम से। अब सारे रोल्स बन जाने के बाद एक प्रेशर कुकर में पानी डाल के एक डिश में सारे रोल्स को अरेंज कीजिए। अब इससे 20 से 30 मिनट बिना विजिल्स के स्टीम कीजिए। बाद में एक बार चेक कीजिए अच्छे से अंदर तक कुक हुआ या नहीं। पालक जल्दी ही पक जाते हैं। ठंडा होने के बाद एक शार्प नाइफ से रोल्स को ऐसे कट कीजिए। अब एक पैन में 1 टीस्पून तेल डाल के उसमें 1 टीस्पून राई, थोड़ा सा जीरा और 1 टेबलस्पून तिल डाल के फ्राई कीजिए। आप 1 टीस्पून हींग भी डालिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। तिल गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप सारे रोल्स को ऐसे पैन में रख कर फ्राई होना दीजिए। आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्राई कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक। अब एक सर्विंग प्लेट में रोल्स को अरेंज कीजिए। फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके उसे गार्निश कीजिए। अब तैयार है इवनिंग स्नैक, हमारे हेल्दी स्पिनैच रोल्स। इससे हम अरवी के पत्तों से भी बना सकते हैं, जिसको एलिफेंट ईयर्स भी कहते हैं। ये एक गुजराती डिश है, पात्रा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।